सोलन में मुसीबत के समय प्रताड़ित महिलाओं को आसरा देने वाला वन स्टॉप सेंटर प्रदेश का एकमात्र सेंटर है। इस सेंटर में जो महिलाएं पारिवारिक हिंसा या किसी भी तरह की प्रताड़ना का शिकार होती हैं, उनके ठहरने के लिए अस्थायी प्रबंध किए गए हैं। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में स्थित इस सेंटर का महिला आयोग की चेयरमैन डेजी ठाकुर ने निरीक्षण किया और सेंटर द्वारा की जा रही गतिविधियों की जानकारी ली। 60 महिलाओं ने एक वर्ष के भीतर इस सेंटर से लाभ उठाया है। इस सेंटर में बेसहारा और प्रताड़ित महिलाओं को शेल्टर दिया जाता है। महिला आयोग की चेयरमैन डेजी ठाकुर ने कहा कि महिलाएं जो प्रताड़ित की जाती हैं और बेसहारा होती हैं, उनके रहने के लिए वन स्टॉप सेंटर की सुविधा चलाई गई है, जिसमें मुसीबत के समय महिलाएं एक सप्ताह तक आसरा ले पाती हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश के कांगड़ा मंडी में भी इस तरह के सेंटर खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस सेंटर को वोमेन हेल्पलाइन 181 से जल्द जोड़ा जाएगा, जिससे किसी भी तरह की मुसीबत के समय महिलाएं फोन करके इस सेंटर का लाभ उठा सकेंगी। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि किसी भी परिस्थिति में महिलाएं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए और घर में कभी भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए जिसकी वजह से महिलाओं को घर से बाहर कदम उठाने पर मजबूर होना पड़े। आज मैं वन स्टॉप सेंटर में आई थी इंस्पेक्शन के लिए कि यहाँ पे किस तरह के केसेस आ रहे हैं और यहाँ के जो स्टाफ है उनको कोई इसमें परेशानी तो नहीं आ रही है, क्या समस्याएं आ रही हैं और उनका निराकरण किस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत सेटिस्फैक्ट्री और बहुत अच्छा संतोषपूर्ण काम यहाँ किया जा रहा है, परंतु नंबर ऑफ केसेस जितने आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। वो भी लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, लोगों को शायद इतना इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है। तो इस विषय में भी हमने इनसे बातचीत की है स्टाफ से। लोगों से तो मेरी अपील है कि किसी भी महिला को अपने घर से बाहर ना जाना पड़े, किसी भी महिला को कहीं बाहर आश्रय ना ढूंढना पड़े, अपने घर में उसे आश्रय मिले कि और उसके अपने घर में सेफ्टी हो, उसे प्रेम मिले और उसके अगेंस्ट कोई भी वायलेंस ना हो, मारपीट ना हो। ये मेरी अपील है सबसे, अपने घर को स्वर्ग बनाएं।